अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 2 साल की बच्ची के लिए कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका, जिसके लिए ये मैंने ब्लैक कलर का प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कि इस कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो कितनी है। तो इस कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है वो 36 इंच है। तो अब हम इस कपड़े में से जितना हमने अपने कफ्तान की चौड़ाई रखनी है 2 साल की बच्ची के लिए, उसके हिसाब से कपड़ा उतार लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अलहदा कर लेंगे। तो हम 2 साल की बच्ची के लिए कफ्तान की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 इंच रखेंगे, जिसमें से हम अंदर वाली साइड पर फोल्ड भी कर लेंगे, क्योंकि जिस बच्ची के लिए हम सिलाई कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मार्ट सी है। तो हम 20 इंच रखेंगे चौड़ाई कफ्तान के लिए, और जो ज़्यादा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे हम उतार लेते हैं। तो अब हमने जो पीस साथ से उतार लिया है इसे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसे डबल कर लेंगे इस तरह से। तो इस कपड़े को हमने डबल दोबारा से एक दफ़ा फिर डबल कर लिया है। तो इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच है और चौड़ाई जो है वो 20 इंच है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है 20 इंच इसकी चौड़ाई है, ये 16 इंच डबल कपड़ा है फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, यानी कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो 32 इंच है। तो सबसे पहले हम अपने गले की कटिंग करेंगे। गले की हम चौड़ाई जो है वो 4 इंच रखेंगे, यानी कि 2 इंच है, और जो गहराई है गले की वो भी हमने 2 इंच रखी है। बैक वाली साइड की 2 इंच हमने चौड़ाई रखी है गले की। तो अब हम इसके बाद जो है फ्रंट वाले गले की जो है वो गहराई थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाफ इंच जो है ना फ्रंट साइड वाला गला जो है उसे गहरा कर लेंगे। तो गाइस, गले की कटिंग के बाद हमारे कफ्तान की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल सा सादा सा कफ्तान सिलाई करना है, कोई और डिज़ाइनिंग इसमें नहीं करनी है। तो ये इसके साथ जो है इसके ट्राउज़र का कपड़ा था वाइट कलर में जिसपे ब्लैक प्रिंट है, तो इसकी मैंने 2 इंच की चौड़ी एक पट्टी ले ली है, जिसे जो है मैं कफ्तान की चारों साइडों पे लगाऊंगी। इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसकी जो है सिलाई लगा लेंगे चारों साइडों पे, हम इस कपड़े को लगाएंगे। इसी तरह से चारों साइडों में ये वाला कपड़ा लगाने के बाद बारी आती है हमारे गले की। गले पे भी हम कपड़ा लगा लेंगे, क्योंकि स्टिफ वगैरह के साथ हमने गला नहीं बनाना है, इसलिए हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल सिंपल, जिसके लिए मैंने ये कैप्री का ही कपड़ा लिया है। और मैं इसी तरह से नीचे वाली साइड पर रखूँगी कपड़े को, और कफ्तान को इस तरह से हम खोल लेंगे पूरा, और गले को इस तरह से गले की गुलाई में जो है हम सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से हमने गले की कटिंग की हुई है। तो ये देखिए जो है सारी मैंने पट्टी लगा ली है, इसके साथ सारी साइडों पे सिलाई लग गई है। गले के लिए भी हमने ये वाला कपड़ा लगा लिया है। अब जो गले के अंदर जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, गुलाई में सारे कपड़ा जो है एक्स्ट्रा उसे उतार लेंगे साथ से। तो गाइज, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारे गले को सीधा करने की। इसे हम दूसरी साइड पर मोड़ेंगे, यानी कि उल्टी साइड पर, पहले ये सीधी साइड पे था तो इसे उल्टी साइड पे हम मोड़ लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे जो टक लगाते हैं हम कपड़े को सीधा करने के लिए वो नहीं लगाए हैं, तो ये गला सीधा नहीं हो सका, तो इसलिए मैं इसमें अब छोटे छोटे से टक लगाऊंगी। हमेशा याद रखा करें, कोई भी गुलाई में जो चीज़ होती है उसमें छोटे छोटे से टक लगा लिया करें, वरना इसी तरह से दोबारा आपको दोबारा वही काम करना पड़ता है अगर आप टक ना लगाएं मेरी तरह। अब टक लगाने के बाद हम इस सारे कपड़े को बाहर वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगे, अंदर वाली साइड पे, सॉरी, इस्त्री की मदद से इस सारे कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे, गले को अच्छे से सफाई दे लेंगे। तो ये देखिए सारा जो कपड़ा है गले का अंदर वाली साइड पे अच्छे से फोल्ड हो गया है, कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं आई है इसके अंदर। इसी तरह से अब हमने कफ्तान की जो चारों साइडों पर पट्टी लगाई थी इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसे हम दूसरी साइड पर मोड़ लेंगे और इसे एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, सारी पट्टी को अच्छे से प्रेस करेंगे। तो गाइस, सारी जो हमने इसके साइडों पे बॉर्डर लगाया है कफ्तान को, उसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे फिर एक दफ़ा प्रेस करेंगे फोल्ड करते हुए, ताकि ये इस साइड पर अच्छे से प्रेस हो जाए।
जब हम सिलाई लगाएं तो हमें कोई भी मुश्किल ना पेश आए, आगे पीछे ना हो, इसलिए हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो गाइस सारे कपड़े को हमने दूसरी साइड में मोड़ लिया है। अब इस तरह से हम इसे अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे, चारों साइडों से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। चारों साइडों से आपने कपड़े को इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो गले पे हमने कपड़ा लगाया था उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, गुलाई में इस तरह से रखेंगे और दो एक इंच के गैप पे जो है हम सारे गले के गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई गले पे हमने लगा ली है और ये देखें बॉर्डर पे भी हमने सिलाई लगा ली है। कोई भी लेस वगैरह या बटन वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पट्टी लगाई है कफ्तान की चारों साइडों पर। अब हम कफ्तान को उल्टा कर लेंगे और हमने कफ्तान के जो दरमियान में है इलास्टिक लगाना है, ये वाला ब्रीक सा इलास्टिक है मेरे पास, तो ये वाला हम इस तरह से इसके दरमियान में लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले निशान लगा लेते हैं कि इलास्टिक हमें कितने हिस्से पे लगाना है। तो ऊपर वाली साइड से इस तरह से हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। छोटे बच्चे की जो बॉडी होती है वो तकरीबन 7 इंच 7.5 इंच ही होती है, तो 7.5 इंच पे हम बॉडी का निशान लगा लेंगे और इस तरह से इस साइड से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 4.5 इंच के अंदर अंदर ही इलास्टिक जो है लगाना है। और सेम दूसरी साइड पे भी हम 4.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। दोनों साइडों से 4.5 इंच के लिए हम कपड़ा छोड़ देंगे और 4.5 इंच के अंदर ही हमें इलास्टिक लगाना है, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। देखिए 7.5 इंच है और सेम फ्रंट साइड की तरह बैक साइड पे जो है हम निशान लगा लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे एक एक लाइन लगा ली है, इसी लाइन के ऊपर जो है हमें इलास्टिक लगाना है। ये लाइन हमने इसीलिए लगाई है ताकि इलास्टिक जो है आगे पीछे टेढ़ा ना लगे। इस इलास्टिक को अच्छे से हम खींच के रखेंगे। कुछ लोगों के पास इलास्टिक वाली नलकी भी होती है, अगर वो हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैं ये वाला इलास्टिक लगाऊंगी। जितना हम इस इलास्टिक को खींच सकेंगे इतना खींच के इसकी सिलाई लगाएंगे। अब हमें कफ्तान की साइड वाली जो सिलाई होती है वो लगानी है और वो लगाने के लिए इलास्टिक लगाने के बाद कफ्तान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। कफ्तान को सीधा करने के बाद हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो जिस बच्चे के लिए आप कफ्तान सिलाई कर रहे हैं पहले उसके कंधे की ध्यान रख लेंगे। पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे, वही 4.5 इंच पे ही हमने निशान लगाया है जिस तरह से हमने इलास्टिक के लिए रखा था, सेम इतना ही गैप रखेंगे 4.5 इंच का। अब जो है हम कंधे का निशान लगा लेंगे, तो कंधा 5 इंच हम रखेंगे और जो 4.5 इंच पे हम निशान लगाया है ना उससे बाएं वाली साइड पे 1 इंच हम लाइन लगाएंगे और नीचे हम तकरीबन 5 इंच जो है चाक का निशान लगाएंगे। इस तरह से एल शेप में हमें ये लाइन लगानी है। याद रखें 5 इंच कंधा है, 4.5 इंच का जो आपने निशान लगाया था उससे बाएं वाली साइड पे 1 इंच यानी 3.5 इंच पे आपने सीधी सी लाइन लगानी है और फिर आपने चाक का निशान लगाना है इस तरह से एल शेप में, और एल शेप में ही आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए गाइस मैंने इलास्टिक लगा लिया है, किस तरह से इसके अंदर इलास्टिक लगने से इसके अंदर चुन्नट आ गई है दरमियान में, और ये इलास्टिक लगाने के बाद ही मैंने साइड वाली सिलाई भी लगा ली है बिल्कुल इसी तरह से एल शेप में। पहले इलास्टिक लगाएं फिर साइड वाली सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक उल्टी साइड पर लगाना है और सिलाई जो है वो सीधी कप्तान को सीधा रख के लगानी है। तो ये देखिए, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कफ्तान की स्टाइल और स्टिचिंग के तरीके आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।